नमस्ते, मैं हूँ हिमा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जहाँ पर मैं हर ट्यूजडे सैटरडे अपलोड करती हूँ न्यू वीडियो रेसिपीज अपलोड। तो बने रहेगा हमारे इस चैनल पे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना होगा, उसके बगल जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि हम जब भी नए नए रेसिपीज जो अपलोड करें अपने चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। जो आज हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही झटपट, बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से, बहुत कम, मतलब इतना आसान है कि मैं कितनी बार उसे आसान कह रही हूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है, जिसे कहते हैं मसाला पाव। ये हम बना रहे हैं आज मसाला पाव, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। बॉम्बे में जो है ये मसाला पाव बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर गली लुक्कड़ में जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहीं ना कहीं इसका एक ठेल आपको ज़रूर मिल जाएगा और लोगों को भी बहुत पसंद आता है। वैसे पाव भाजी में और मसाला पाव में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। पाव भाजी में बहुत सारी सब्जियों के साथ हम आलू का इस्तेमाल करते हैं, बट मसाला पाव में हम आलू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट ही बहुत ही अच्छे से सब्जी बनती है, जिसे हम पाव के अंदर लपेटते हैं, उसे सेकते हैं और इसे खाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मसाला पाव एकदम स्ट्रीट स्टाइल, बॉम्बे के स्ट्रीट स्टाइल में कैसे बनाना है, वो भी घर पर। जरूर एंड तक पूरा देखें क्योंकि एंड में जब हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया आप लोगों के साथ, जो कि फॉलो करने के बाद आपकी मसाला पाव जो अगर आप घर पर बनाओ तो एकदम वो स्ट्रीट स्टाइल बने।
आप देख चुके हैं कि मसाला पाव घर पर बनाना कितना आसान है, तो आप जरूर इसे ट्राई करें। बस कुछ ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम शेयर करें उसे भी फॉलो करें ताकि एकदम स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव आप घर पर ही बनाएं। तो सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप मसाला पाव घर पर बनाओ तो उसमें आप बटर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसका जो स्वाद है बहुत ही अमेजिंग आता है। आप खुद ये चीज ट्राई करिएगा, जब भी आप मसाला पाव बना रहे हैं तो एक मसाला पाव में आप तेल लगाएं और एक मसाला पाव में आप बटर लगाएं और इसे सेकें और दोनों टेस्ट करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आपको बटर वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी टिप ये है कि जब भी आप टमाटर का इस्तेमाल करें तो ध्यान से ही करें, अगर आप 3 टमाटर यूज़ करें तो 3 प्याज का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, वरना जो आपकी मसाला पाव है वो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, उसका ध्यान आपको रखना है। अगर आपको खट्टा पसंद है तो इट्स ओके, क्योंकि पर अगर घर में जो है हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा खट्टा जो है जमता नहीं है, मतलब नहीं चलता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, उस हिसाब से आप बनाएं, खट्टा मीठा हो लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, तो उस हिसाब से आप टमाटर का इस्तेमाल करें। और तीसरी टिप ये है कि जब भी आप टमाटर का इस्तेमाल करें तो टमाटर को जो है आप इसे छील कर इस्तेमाल करें अपने मसाला पाव में, क्योंकि आजकल जो है टमाटर ज़बरदस्ती पकाए जाते हैं जो कि गलते नहीं हैं जल्दी, अगर आप पील करके इसे डालते हैं, मतलब आप इसे छील कर अगर इस्तेमाल करते हैं अपने मसाला पाव में, तो ये अच्छे से गल जाएंगे और आपके जो मसाला पाव है बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो ये रही हमारी मसाला पाव की रेसिपी, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।